हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं अभी गोदाउन आ चुका हूँ। गोदाउन से जा रहा हूँ सीधे अपनी टीम मेंबर्स को लेकर दूसरे बैंकेट हॉल, जैसे कि जैस्मिन और गाड़ी बैक कर लेते हैं तो फटाफट, क्योंकि आज का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है। और फटाफट लड़के को अपनी टीम को लेके निकलते हैं दूसरे बैंकेट हॉल में, टीम की ज़रा फील्डिंग लगाते हैं और चलते हैं अपने काम में। पर आज ओ भाई, सुबह निकल गए हैं अभी अपने काम के लिए फटाफट। और सुबह सुबह ही कार से ड्राइव करनी पड़ती, जो कि आपको पता है कि मेरे को ये ड्राइव करना बिल्कुल पसंद नहीं, गाड़ी से कार से कि मजबूरी में मैं करता हूँ, वरना बाइक से ही जो करता हूँ। थोड़ी देरी गाड़ी चलाए तो हेडेक होने लग जाता है मेरे को, बिल्कुल इतना सर दर्द कि घुटन सी हो जाती है, लेकिन मजबूरी में फटाफट काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इस चक्कर में जा रहा हूँ। लेकिन जल्दी का वैसे तो काम जो बाइक से है बाइक से, और जो गाड़ी का है कार का वो कार से ही होता है। तो भाई आज तो बहुत वो है यार। तो गाइस, अपने टीम मेंबर्स को लेके निकल चुके हैं हम वाडी का, और पीछे बैठे हैं भाई। और सुबह सुबह जल्दी उठा दिया आज, फटाफट आज का काम कार्यक्रम चले। और हिल पहाड़ की तरफ वाडी का वेंकट हॉल, और आज धूप भी मस्त सी है भाई। तो बारिश हो जाने से सारी शादियाँ ख़राब हो गई हैं बहुत। तो गाइस, अपनी टीम को छूट दिया है और अभी वो लोग जा रहे हैं अंदर बैंकेट हॉल के अंदर, चल जा चुके हैं। और मैं भी निकल रहा हूँ अभी गोदाउन, क्योंकि अब एक हर जगह फटाफट करके तैयारी करनी है। और आज मौसम है बढ़िया, धूप उब है, क्योंकि मौसम विभाग में बता रहे थे कि दिख रहा था कि कल तो भाई 3-4 तक लगातार बारिश है, और आज ही मेन लग रहा है भाई आज बारिश नहीं होनी चाहिए। और मौसम तो अभी अच्छा है, लेकिन मौसम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो सब ऊपर वाले के हाथ में। अगर मौसम ख़राब हुआ तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा आज, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत शादियाँ हैं आज, बहुत भयंकर का लगन है। सो अब देखते हैं कि अब कब तक कंट्रोल में है। और धूप भी अच्छी सी आई रही है पहाड़ों में भी, अभी देख लिया ऊपर को पूरा धूप से ही सब मौसम पूरा खुला हुआ है, कहीं एकदम से मौसम चेंज हो जाए, क्योंकि कब धूप आ जाए कब तूफान और कब बारिश, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो जाता है। लेकिन आज ही एक दो दिन का हो जाए बस, मतलब आज ही आज का ज़्यादा है, क्योंकि आज का लगन सबसे ज़्यादा है भाई। और मैं भी निकल चुका हूँ। तो भाई ये सिलेंडर की गाड़ी। सो गाइस, मैं भी निकल चुके हैं, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गोदाम। और देखिए सामने पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, तो पहाड़ में ही पूरी धूप से चमक रहा है, सब धूप है आज। तो मौसम पूरा क्लियर है, लेकिन थोड़ी देर में कहीं बारिश वारिश का लग नहीं रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने तो बताया है अपनी उससे, अब उसमें तो दिख ही रहा था, लेकिन अभी क्लियर ही है मौसम पूरा, धूप वूप आ रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि बारिश होगी। अब बारिश हो जाएगी तो भाई बहुत नुकसान है। तो चलते हैं और राज अपने काम को अंजाम देने के लिए भाई, तो फटाफट अपने काम की ओर निकल के गोदाम पहुँचता हूँ। गोदाम पहुँचने के बाद गाड़ी भी चलाऊँ साथ साथ, तो फिर अपना दूसरे बैंकेट हॉल की तैयारी करते हैं। अभी तो मैंने 2-3 बैंकेट हॉल की फटाफट कर दी है, और अभी बजने वाले 9 बजे से पहले मैंने 3 बैंकेट हॉल ओके कर दिए, बाकी फटाफट चलते हैं अभी। ये रहा हमारे कृपा सिंधु बैंकेट हॉल, ये भी आ गया है, यहाँ भी फाइनल हो गया, मैंने वहीं से कॉल फोन में ही बता दिया था। ये रहा कृपा सिंधु बैंकेट हॉल, ये रहा पार्किंग एरिया भाई। भाई सुबह अभी हम लोग नाश्ता करने आए हैं, देवेंद्र भाई और इन लोग को लग रही थी भूख, भूखी भाई और मिस्टर देवेंद्र भाई, इनको नाश्ता करवाना है। और अभी मौसम फिर से चेंज हो गया, तो पानी खोलने लग गई है, तो हमने कहा थोड़ा कुछ खा पी लें, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और बगल में जहाँ बैंकेट है उसके बगल में हमारे पांडे जी का रेस्टोरेंट है, वहीं बैठे हैं। तो भाई को क्या खाना है आपको? खाना नहीं है यार, मैं खिला रहा हूँ। तो इनको अभी इनके लिए मंगा रहे हैं, अभी आ रहा है। तो कहते हैं मतलब आ गया, और हम आधा खा चुके थे, उसके बाद हमें याद आया कि भाई वीडियो शूट कर लेते। और देवेंद्र भाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो बचपन से घर वालों ने कह रखा है इनका सही से ख्याल रखना, तो खाओ भाई साहब खाओ। पांडा जी का चलिए मिर्ची देखो, पंडित जी ने कितनी दे दी, आराम से बोला आराम से। तो गाइस बारिश होने लग गई है और मुझे जाना है अभी हेड ऑफिस, और फंस गए हैं भाई, मैं और अर्जुन भाई दोनों जने जा रहे हैं, और यहाँ लग गए और ऊपर से जाम में फंस गए हैं। और जीप में तो ओपन वैसे ही दरवाज़ा नहीं होता है, साइड से कहीं भीग ना जाए। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है मिस्टर अर्जुन के साथ, बहुत दिनों बाद आए हैं, छुट्टी में गए थे हॉलीडे में, और भाई जाम में लग फंस गए हैं। हल्द्वानी में बहुत जाम होने लग गया। और एक चीज़ और कि फ्लाईओवर बहुत जल्द बनने वाला है हमारे शहर में भी, तो कब बनेगा पता नहीं, कह नहीं सकते। ओ भाई
बारिश से बुरा हाल और मौसम देखो कितना मस्त सा हो गया भाई। अभी अभी धूप चल रही थी सुबह से, 15 मिनट में मौसम चेंज। सुबह से ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन लगा अब एकदम से बारिश होने लगी भाई। जब जिन जिन की शादी आज बताओ, फिर से नुकसान होना शुरू, कल कितना हाल हो जाएगा यार। और आज तो इतना भयंकर लगन है भाई, तो बारिश का रुकने का नाम ही नहीं रही। पहुँच गए हम हेड हिल ऑफिस, चलते रहो यहाँ पे जो हाँ आगे वाला। तो पहुँच गए गाइस हम अपने हेड हिल ऑफिस में, फटाफट एक रिचार्ज करवा लेते हैं। ये तो चलते हैं फटाफट, अब अंदर पहुँच गए तो वहाँ पे अभी ब्लॉग शूट कर नहीं पाएंगे, तो फटाफट सर को पहले पैसे दे आते हैं यार। तो हो गए हम लोग ऑफिस में, हो गया हमारा रिचार्ज, और अर्जुन को भी लेके दिखा दिया गया। इंदर से मैं कभी आ नहीं पाया, तो फिर आफ्टर देन ये ला सकते हैं। और भाई चलते हैं, और हम आए अपनी जीप से भाई, लेकिन इसमें दरवाजे नहीं है, अगर बाहर स्टेज हो गए तो हम भीग सकते हैं। और अर्जुन भाई इसको चलाएंगे, हाँ ये लेकिन इसका बड़ा वो है, लाइट भी नहीं डाल ली भाई इसमें। ओह सिस्टम ऑटोमेटिक। सो गाइस अभी हम जाने वाले हैं टेम्पो में भाई के, और हम चलते हैं अभी, क्योंकि आज बहुत दिन हुआ टेम्पो, बहुत सालों बाद राइड चल रही है और बारिश भी हो रही है, तो हमने सोचा थोड़ा श्याम गार्डन जाके मिस्टर टेम्पो भाई के साथ घुमाएं। मिस्टर टूपी बारिश में भाई, और ऑटो में बहुत टाइम बाद बैठे हम आज, मज़ा आ रहा है ऑटो में। बचपन में बहुत स्कूल स्कूल जाने को कभी कभी, और आज मिस्टर टूपी के साथ जा रहे हैं। और श्याम गार्डन यहीं से थोड़ा सा दूर ही रहता, तो हमने कहा बारिश में भी बचेंगे तो सही। बारिश में अंदर हमने लगाने डीजे अंदर भाई, ये रेनकोट पहना के करना पड़ा, लेकिन पूरा इतना डेकोरेशन करा था, पूरा सारी चीज़ ख़राब भाई हमारे, भाई पेटी लेके आ रहे हैं, आधा सामान वहीं छोड़ा है अंदर, बारिश में भीगते हुए चल जाएगा हम सर। चलो सामने, और सारा डेकोरेशन किया अंदर। तो गाइस फाइनली आज की वेडिंग बहुत अच्छे से कम समाप्त हो चुकी है, बहुत अच्छे से हुई है, और बारिश होने के कारण सारा काम हॉल में कर रहे थे, फिर भी हमने सेटिंग भी दोबारा चेंज हमने बाहर फील्ड में करी। ये देखो बाहर का डेकोरेशन देखा, सारी चीज़ बहुत आराम से हो गई थी। मैं इधर इतना भागा कि कहीं फिर उसके बाद ब्लॉग शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत भाई साहब बहुत अच्छे से, मतलब शाम को 7 बजे सब बारिश रुक गई थी, तो भाई फिर भी बहुत अच्छे, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये सब लोग ने कि भाई कहीं प्रोग्राम ख़राब ना हो जाए, लेकिन फाइनली बहुत अच्छे से सारा काम निपट गया। तो रेहान भाई भी अपना जॉकी अपने प्लेइंग करके आ चुके हैं श्याम गार्डन बैंक्वेट हॉल से, कि वहाँ के प्लेइंग करते हैं आराम से बैठे हुए। तो अभी अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं ये भी एक है आजकल, अभी बिज़ी हैं थोड़ा। तो चलते हैं भैया, अभी थोड़ा बाहर का डेकोरेशन बहुत अच्छे से हो गया भाई साहब, मतलब रिसेप्शन था जल्दी निपट ही गया है। सो गाइस बाहर को अभी दिखाता हूँ आपको, लेकिन पार्टी हो चुकी है समाप्त, और मैं आया थोड़ी लेट, देखो कितना अच्छा डेकोरेशन हो गया था भाई, मतलब बारिश हो जाती तो सब कुछ हो नहीं पाता। तो बाकी टेंट वाले अपनी सारी क्लोजिंग कर रहे हैं, देखो पेड़ों को पिंक दे दिया, लोग गोल्डन शेड दिया है, यहाँ ग्रीन शेड दे रखा भाई, कितना अच्छा लग रहा है। और ठीक सामने लगा हुआ है डीजे जो क्लोज्ड हो चुका है, नहीं तो अभी तो भाई साहब बहुत क्राउड था वहाँ पे, और अभी वहाँ ग्रूम एंड ब्राइट का चल रहा है डिनर। ओ भाई तो डीजे हो गया क्लोज, तो फटाफट इसे कराते हैं क्लोज। तो गाइस फाइनली हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, और इस समय भाई रात के 1 बज गए, हम लोग सारी हमारी टीम पूरी लगी हुई है, तो सिस्टम वगैरह डीजे वगैरह सारा क्लोज हो चुका है, और सभी लोग जो पार्टी मेंबर्स थे जिनकी वेडिंग थी वो भी जा चुके हैं, क्योंकि बारिश दोबारा बूंदाबांदी होने लग गई। तो मतलब जो प्रोग्राम बाहर का था, मतलब अंदर का था, बाहर था वो अंदर हुआ, फिर अंदर के बाद फिर बाहर हुआ, तो बहुत दिक्कत के साथ फिर भी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपट चुका है, पूरा काम अच्छे से। सो गाइस इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, और मेरे चैनल में जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, जो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।